15 फरवरी के शाम राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया। कुलबीर छाबड़ा सहित तमाम कांग्रेसी इस आंदोलन में मौजूद रहे। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने आंदोलन के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज एक दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में शरीक हुए कांग्रेसियों ने हाथों में तख्तियां लिए हुए भाजपा के खिलाफ लगातार नारेबाजी की, वही माननीय न्यायालय का शुक्रिया अदा भी किया। हम आपको यह भी बता दें कि यह आंदोलन इलेक्टोरेट बॉन्ड जिस पे फैसला आया है उसी को लेकर कांग्रेसियों ने ये आंदोलन किया था। सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड, ये आप देखिए जिससे बीजेपी को चंदा मिला है, ये 2018-19 में 1450 करोड़ रुपया, 2019-20 में 2555 करोड़ रुपया और 2020-22 के बीच में ये दिख रहा है आपको 1054.38 करोड़ रुपये। ये बीजेपी को जो काला धन को रूपांतरण करने की नीति रही है, जिसको आज माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने आज जो फैसला दिया है उसमें उसको असंवैधानिक माना है, इसका हम स्वागत करते हैं। और ये बीजेपी की पोल खुल रही है, ये देखिए आप कि कितना इन्होंने चंदा जो है काले धन को अपने हिसाब से इसको करने के लिए, एक नंबर में करने के लिए जो किया था, आज वो न्याय हमने मांगा। आदरणीय राहुल गांधी जी संसद में पूरे कांग्रेस के लोगों के साथ इसका विरोध करते रहे हैं, इसीलिए ये राहुल गांधी जी के पीछे पड़े रहे हैं और ये गलत चीज़ें कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी जब सही बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए उनके ऊपर कई प्रकार का जो दंड की प्रक्रिया करते हैं। और जो इलेक्टेड बॉन्ड जो चंदा पहुंचाने वाला जो है, भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला जो है, इसको ये लोग भाजपा के लोग, मोदी सरकार के लोग बचाने के लिए इसको जो रूपांतर करने की योजना जो ये लोग अपना रहे हैं, जिस प्रकार से उसको ये जो काला धन को जिस प्रकार से ये लोग अपने काले धन को ये लोग जो लाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, ये वैधानिक नहीं है। ये आज माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने इसको असंवैधानिक करार दिया है। ये जनता के सामने, पूरे देश के सामने ये बात है कि देखिए ये भाजपा की करतूतें जो हैं, और ये भाजपा मोदी सरकार इस प्रकार का करके, इसीलिए राहुल गांधी जी के पीछे, इसीलिए ये कांग्रेस के पीछे पड़े रहते हैं, जानबूझ के गलत गलत आरोप उपयोग और किसी प्रकार का हथकंडा दबाव देकर जो प्रक्रिया को ये लोग डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। पर न ही आदरणीय राहुल गांधी जी झुके हैं और न ही झुकेंगे, न ही कांग्रेस झुकी है और न ही झुकेगी। ये आज कांग्रेस के लोग अब पूछ रहे हैं कि ये काला धन कहाँ से आया। ये भाजपा के लोगों ने जो इतना पैसा काला धन को रूपांतरण करने के लिए जो योजना बनाई और इतना पैसा किया, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये भी इस इलेक्टेड बॉन्ड के, तो ये पैसा इनके पास कहाँ से आया। ये जनता का पैसा है जिसको मोदी सरकार जो है इस प्रकार से दुरुपयोग करके अपने ताकत और अपने पावर के बल पे जो कर रही है वो गलत है। इसी का हम लोग आज विरोध करते, जो आदरणीय राहुल गांधी जी 18 से करते आ रहे हैं, आज ये हमारी सबकी, जनता की जीत हुई है। राहुल गांधी जी जो मांग कर रहे थे उनकी जीत हुई है, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता की जीत हुई है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो इस न्यायालय का सम्मान करते हैं और ये सब चीज़ें जनता के सामने लाने के लिए आज हमने ये आपके सामने अभी इसका प्रदर्शन किया है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ये प्रदर्शन हुआ है और जैसे और आगे हमको आदेश मिलेगा वैसे हम इसको लोगों को, जनता तक ले जाएंगे और पहुंचाएंगे।